न केवल भारत में हिंदू समुदाय के लोग बल्कि हिंदू धर्म का पालन करने वाले विदेशी भी इस साल बिहार के गया जिले में पूर्वजों की मुक्ति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। जर्मनी से आए श्रद्धालु ने बुधवार को फल्गु नदी किनारे देवघाट पर पिंडदान अनुष्ठान किया है। न केवल भारत में हिंदू समुदाय के लोग बल्कि हिंदू धर्म का पालन करने वाले विदेशी भी इस साल बिहार के गया जिले में पूर्वजों की मुक्ति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। जर्मनी से आए श्रद्धालुओं ने बुधवार को फल्गु नदी किनारे देवघाट पर पिंडदान अनुष्ठान किया। In the name, in the respect of our ancestors. So there is a group of 13 people, and all of us, we have done the first day, and we are full of gratitude that Gaia met us with very big welcoming and open heart, and now we have done everything. रूस, यूक्रेन और यूरोपीय देशों से भी तीर्थयात्री पिंडदान करने के लिए गया आए हैं। पिंडदान में भाग लेने वाले विदेशियों की बढ़ती संख्या हिंदू धर्म में उनकी आस्था और विश्वास को दर्शाती है। ये लोग पिंडदान करने के लिए पहुंचे हैं। पिंडदान का जो कर्म क्षेत्र है, जो माना जाता है गया इज द हाईएस्ट, अति उच्च स्थान पे है गया विष्णुपाद। ये संदेश इनके गुरु जो है नाटालिया सप्रोना ने इनको प्रदान की और उन्होंने उत्तेजित किया कि इस तरह से जाइए और आप लोग इस तरह का पिंडदान करिए तो आपके जो है वंशज सभी ये हो जाते हैं। यही तो मानव धर्म का पहला जो है स्टेप्स है वो बता दी। तो वो अलग अलग सेमिनार्स वगैरह देती है तो उन्हीं के जब शिष्य ये लोग भारत की तरफ आकर्षित होकर आए। ऋग पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर को शुरू हुआ और 14 अक्टूबर को संपन्न होगा।